हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 2.6 अपडेट आप लोग पबजी के एयर के अंदर कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, एंड्रॉइड की मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपको वीपीएन कनेक्ट कर लेना, सोलो वीपीएन कोरिया सर्वर, और यहाँ पे आपको चल जाना है ऐड गूगल अकाउंट, और यहाँ पे आपको गाइस एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है जो कि बहुत ही सिंपल होता है। सिंपली आप लोग यहाँ पर अपनी केआर सर्वर सेलेक्ट कर लो कोरिया सर्वर वीपीएन पे। उसके बाद यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दो, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली अपनी ईमेल वगैरह आप लोग क्रिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे मेल मैंने कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे एक ईमेल चुनने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ईमेल जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप चुन लो। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर कुछ अवेलेबल है तो उसको हम लोग चुन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कौन सा यूज़र नेम अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा यूज़र नेम हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको ट्राई करनी होगी, ठीक है। कोई अगर फ्री होगा तो वहाँ पे आप ले लो, सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करो। यहाँ पे आपको पासवर्ड चुनने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना लो, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद गैस यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि सिंपली आपको यहाँ पे आपको एक्सेस कर लेना है इसको। आई एग्री कर दो यहाँ पे। तो बेसिक स्टेप्स है, सभी को मालूम हो कि गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट कर लो। यहाँ पे आपका गूगल सर्विसेज आएगा। यहाँ पे नो एम गुड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली सिर्फ इतना ही करना था आपको। यहाँ पे आपका न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है के आर सर्वर पे। और अब आपको करना क्या है, प्ले स्टोर का आपको डेटा क्लियर करना है, ठीक है। और आपको प्ले स्टोर वापस से ओपन करना है। तो कैसे, यहाँ पे देखो वही अकाउंट मुझे शो हो रहा है जो मैंने क्रिएट किया था। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप अकाउंट स्विच कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपली इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, हम लोग आ जाएंगे पबजी के आर के प्ले स्टोर के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है, सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है पबजी। तो यहाँ पे आप पबजी लिख लो, ठीक है। ये न्यू एकदम इजी वे है। यहाँ पे आप देखो पबजी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपके सिंपली पबजी के आर की न्यू वर्जन 2.6 डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई से करो, नहीं तो मोबाइल नेटवर्क से भी हो जाएगा। वीपीएन डिस्कनेक्ट मत करना डाउनलोड करने टाइम, ठीक है, क्योंकि फिर आपका डाउनलोड पॉज हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग वीपीएन कनेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कैसे, अगर अच्छी है तो फट से हो जाएगा, और अगर स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये सिंपली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे हमारा गेम अपडेट हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं लॉबी के अंदर। और यहाँ पे आप अब सभी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। न्यू मोड कल सुबह 7:30 बजे अनलॉक हो जाएगा, तो कल आप लोग प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे क्रेट्स वगैरह पे कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पे पुरानी है। यहाँ पे एक न्यू क्रेट है, पबजी केयर का 5th एनिवर्सरी आने वाला, तो उसका क्रेट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। पुरानी आइटम्स हैं यहाँ पे, कुछ न्यू नहीं है, एक दो आइटम्स न्यू हो सकती हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं भाई, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे इवेंट्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड मेरा हो नहीं रहा एक्चुअली, पता नहीं डाउनलोड वाला मेरा बटन यहाँ शो नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ गया। तो यहाँ पे बाद में उसको हम लोग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड मैं आपको करके भी दिखा देता कि कोई भी इशू नहीं आता डाउनलोड वगैरह में। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो नहीं हो रहा है, बट वो इशू नहीं है, ठीक है। आपका डाउनलोड हो जाएगा, डिसकनेक्ट कनेक्ट कर लेना वीपीएन, आपका फिक्स हो जाएगा ये। यहाँ पर अगर हम लोग इवेंट्स पर चलते हैं तो कुछ न्यू इवेंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर थैंक्स गिविंग करके है। तो यहाँ पर टॉम एंड द डायनासोर और की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये हेडपीस है, परमानेंट है, ठीक है। आपको हर अलग अलग दिन एक न्यू यहाँ पे सामान मिल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे और एक है थैंक्स गिविंग, तो इसको कलेक्ट कर लो। 5 दोन कार्ड्स मेडल आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अपडेट में एक प्रीमियम क्रेट आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे और कुछ इवेंट है नहीं। पर डे आपको यहाँ पे अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डे 2 पे दोन कार्ड्स हुए, डे 3 पे दोन कार्ड्स हुए, डे 4 पे भी दोन कार्ड्स हुए, डे 5 पे दोन कार्ड्स हुए, और डे 6 पे आपको एक हेडपीस परमानेंट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हम वेरी श्योर ये परमानेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ शो नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा है हमारा, इसीलिए। तो ये हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप जो टाइम लिमिटेड रहता वहाँ शो करता, लेकिन वो परमानेंट है। तो यहाँ पे फिर डिसमेंडल कर लेते हैं, चलते हैं शॉप पे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर कुछ न्यू है तो। ट्रेजर पे कुछ न्यू नहीं है, पैक्स पे वही क्रेट है, वाउचर्स वगैरह आए हुए हैं। तो ये देख लो रिडीम पे, कुछ पबजी कैर के अंदर जनरली रिडीम शॉप अपडेट नहीं होती है। तो यहाँ पे वही पुरानी आइटम्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और तो कुछ है नहीं न्यू, तो मैं आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ पे दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे पॉइंट क्रेट, यहाँ पे पॉइंट क्रेट गोल्ड ब्रोंज सिल्वर वाला आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यूसी स्पेंड करोगे तो ये आपको पॉइंट मिलता है जिससे आप ओपनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अपग्रेडेबल गन वगैरह सभी चीज़ें हैं, और यहाँ पे और कुछ नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे और तो कुछ सब नॉर्मल ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे एक ओपनिंग कर लेते हैं हम लोग, फ्री है ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं न्यू रॉयल पास, 66 आएगा ठीक है। तो अभी रॉयल पास आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। यहाँ पे पबजी क्रेट पे चलते हैं, इसको भी मैं एक बार ओपनिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ है तो मिलता तो है नहीं कुछ ये मिले। तो यहाँ पे भाई ऑर्नामेंट मिली है जो कि हमारा कोई भी काम का नहीं है, डार्क फ्रूट ऑर्नामेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके हटाते हैं, और तो कुछ है नहीं भाई, यही है अपडेट पे। तो यहाँ पे न्यू मोड कल आ जाएगा ठीक है, और बहुत सारी चेंजेस हैं। यहाँ पे न्यू सब्सक्रिप्शन वाला आया हुआ है पबजी के आर के अंदर। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप जो आउटफिट शेयर करना चाहो तो अपने टीममेट्स का साथ शेयर कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर कि ये सिर्फ लॉबी के लिए रहने वाला है ठीक है, क्योंकि आप गेम पे जाओगे तो मुझे नहीं लगता आउटफिट शेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसको तो ट्राई करोगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये हम लोग बाद में देख लेंगे। 650 प्रीमियम प्लस और 210 प्रीमियम प्राइम, तो ये है नॉर्मल। यहाँ पे यूसी वगैरह आप लोग देख सकते हो, अगर लेना है तो यहाँ पे सिंपली परचेज़ पे क्लिक करके परचेज हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं भाई परचेज बोनस मेरा अभी ही अनलॉक पता नहीं कैसे हो गया, मुझे लगता है शायद मैंने यूसी लिया था लास्ट टाइम इसलिए ये शो हो रहा है। तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। देखो सभी चीज़ें कलेक्ट होती हैं यहाँ पे आराम से, कोई भी इशू नहीं है। तो बस भाई लोग इतना ही था आज की वीडियो पे, होपफुली आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि कैसे करना है अपडेट ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे लिखना। न्यू मोड कल आएगा तो कल आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, न्यू मोड के साथ कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।